हाँ हाँ मास्क लगा लेते ठीक है मैं ठीक है एकदम। मुकेश जी कब तक चीजें तय हो जाएंगी? आज आप लोग बैठक भी कर रहे हैं, क्या माना जाए? देखिए निश्चित तौर पे कह सकते चुनावी महीना जारी है और बहुत जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी चीजें क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए और जनता के बीच में सारी बात को रख दे। तो इसी को लेके 1-to-1 सबसे एक दूसरे से मुलाकात हो रहा है और कैसे बिहार को हम लोग विकल्प दे उसके लिए हम लोग मंथन कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें स्थिति आप लोगों के बीच में स्पष्ट कर देंगे। तो हम लोगों का वही किया जा रहा है कि पिछले बार जो गलती हुआ कि लास्ट मोमेंट तक हम लोग सीट बंटवारा में ही समय बिता दिए, तो वो इस बार हम लोग चाहेंगे कि वो गलती ना हो और आचार संहिता लगने से पहले ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ करने में हम लोग कामयाब रहेंगे। सर कल आपकी मुलाकात हुई है राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से, क्या बात हुई है और कब तक चीज़ें फाइनल हो जाएंगी महागठबंधन? बाकी चीज़ आपस में पार्टियों के बीच कई चीज़ों को तय करना है, तो इन्हीं मुद्दों पर बात हुई है और मुझको लगता है कि जल्दी सारा डिसीजन हम सब लोग कर लेंगे। नहीं देखिए कोशिश हम लोगों की है, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन कोई टाइम फ्रेम में जैसा नहीं है, जल्दी से जल्दी हम लोग कर लेंगे, बस इतना कर सकते हैं। हाँ बातचीत तो होते रहती है, कल देखा आपने कि RJD से मेरी बातचीत हुई, मुकेश जी और हम लोग तो हमेशा मिलते रहते हैं, कांग्रेस के लोगों से भी मेरी बात होती है, इवन कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं उनसे भी मेरी बात होते रहती है, तो आपस में बात होते रहती है, बातचीत हुई है और जो भी विषय है उसका जल्दी से जल्दी हम लोग निपटारा कर रहे हैं। सहनी जी आपसे मिलने आए हैं क्या, मतलब कुछ विशेष बात हुई है? सहनी जी हम लोग तो बराबर मिलते रहते हैं, हम भी इनके यहाँ जाते रहते हैं, मुकेश भाई भी हमारे यहाँ आते रहते हैं, अब स्वाभाविक रूप से हम दोनों मिलेंगे, अभी चुनाव का समय है, पॉलिटिकल आदमी है तो पॉलिटिक्स पर चर्चा होगी। सर एक सवाल और ये उठता है कि जिस तरीके से आप लोग की मुलाकात हो रही है, आप कहीं ना कहीं अपनी बातों को ये कहते भी आए हैं, चलिए अरे अब इस बार चेहरा कौन होगा सर? इतना बाहर धूप है, आप लोग देख नहीं रहे गर्मी इतनी पड़ रही है, वर्षा हो नहीं रही है, एक तरफ सुखाड़ है एक तरफ बाढ़ है, तो ये बाढ़ और सुखाड़ को दूर कौन करेगा सर, चेहरा कौन होगा बाढ़ और सुखाड़ को दूर करने के लिए? आप नीतीश कुमार से पूछिए ना कि 15 साल में क्यों नहीं किए। चलिए महागठबंधन में कौन हो सकता है भाई, बात हो गई तो देखिए बात। Thank you.